आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे हैंगिंग प्लांट्स के बारे में जिनकी हाइट जो है 1.5 फीट से लेके 6 फीट या उससे भी ज़्यादा जैसे हो जाती है। और ऐसे तो कई सारे हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स होते हैं, पर मेरे गार्डन के 10 ऐसे हैंगिंग प्लांट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उनके नाम भी बताऊंगी और उनके जो है थोड़े बहुत केयर टिप्स के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हैंगिंग बास्केट के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है हाइट में बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। और इनकी जो लेंथ होती है, जो हमारी हाइट होती है, हमारी हाइट से भी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख रहे हो टर्टल वाइन, इसकी हाइट आप देख सकते हो, जो मेरी हाइट है मेरे हाइट से ये 1 फीट 1.5 फीट ये ज़्यादा ही ये इसकी हाइट हो गई है। आप देख सकते हो नीचे तक, देखिए फ्रेंड्स ये जो है फ्लोर तक टच हो रहा है, देखिए ये ग्राउंड तक, ये बस थोड़ा सा ही इसमें अंतर बाकी, ये नीचे पूरा ग्राउंड तक जो है टच हो जाएगा, आप देख सकते हो। और इसे जो है मैंने इस तरह से देखिए बास्केट में लगा दिया। इसकी जो मिट्टी मैंने तैयार करी थी, जो सैकुलेंट वाली मिट्टी है उस तरह की, देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टिक आप देख रहे हो ये 1 फीट की स्टिक है, जो हमारी हैंगिंग बास्केट की होती है टूट गई थी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 1 फीट है। तो इस तरह से मैंने जब इसे गिना तो ये जो है 5 के ऊपर, मतलब 6 तक ये आ रही थी, 6 में बस थोड़ा सा ही अंतर जैसे बाकी था। तो पूरी जो ये वाइन आप देख रहे हो, ये टर्टल वाइन पूरी लगभग ये 6 फीट की हो गई, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से नीचे तक। तो ये वाली जो वाइन होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हाइट मतलब इसकी होती है, बहुत लंबी ये वाइन चलती है, जितना हम इसे मतलब ऊपर जैसे हाइट पर रखते हैं उतनी ज़्यादा जो है नीचे तक ये चलती रहती है। और इसे बहुत ज़्यादा भी केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे जो है 1 से 2 घंटे की सनलाइट कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है, और जैसे 2 महीने में एक बार भी इसे फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर। नेक्स्ट सबसे लंबाई में बढ़ने वाली जो बेल होती है ये है मनी प्लांट, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मनी प्लांट बहुत ज़्यादा हाइट में ये बढ़ती है, आप देख सकते हो। ये इसकी भी हाइट जो है 6 फीट तक हो गई थी, मैंने इसे जो है बीच में से कट कर दिया था, तो ये अभी जो है लगभग 4 फीट की है। और इसे ऊपर हम चढ़ाते हैं तो ऊपर दीवार के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा जो है ये वाइन मतलब ये मनी प्लांट जो है फैलते जाता है। छोटे से पॉट में, बड़े पॉट में, किसी भी पॉट में हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से जो है ये मनी प्लांट चलता है। ये शेड लविंग प्लांट है, कटिंग से भी इजीली जो है मतलब इसके हम ढेर सारे जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और इसे जो है हर महीने में हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो काफ़ी अच्छे से जो है ग्रोथ करता है, आप देख सकते हो। और इसकी जो है हाइट की कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी ये बढ़ते जाता है। पर्पल टर्टल वाइन जो होती है इसकी पत्ते छोटी होती है और पीछे से जो है ये पर्पल शेड की होती है। और ये भी जो वाइन है ये अभी आप देख सकते हो, इसकी लगभग 3.5 फीट इसकी हाइट है। ये भी जो वाइन है 4 फीट से लेके 5 फीट तक ये हो जाती है, बहुत ही कम केयर में चलती है, ज़्यादा भी इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग से भी ईजिली ये ग्रो हो जाती है। टेंगल हार्ट भी बहुत ही खूबसूरत जो है वाइन होती है और ये भी बहुत ज़्यादा हाइट है। सत्य इसकी पत्तियाँ कितनी फ्लेशी होती है, सेकुलेंट वैरायटी की ये वाइन होती है और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट में ये बढ़ती है। अभी जो मेरे हैंगिंग बास्केट में ये लगी, कम से कम इसकी जो हाइट है 3 से 3.5 फीट इसकी हाइट हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा जो है इसकी लेंथ होती है। इसे अगर हम छोटे से पॉट में भी जो हम इसे लगाते हैं, बड़े पॉट में, सभी पॉट में चलती है, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। सेकुलेंट वाली सॉइल में अगर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इंजॉय पोथोस की भी जो हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसके ऊपर की साइड की जो पत्तियाँ होती है थोड़ी बड़ी होती है और नीचे की जो पत्तियों का साइज़ होता है, आकार होता है, छोटा होता है। इसकी भी हाइट जो है लगभग अभी ये आप देख रहे हो ये 3 फीट की हाइट है, वैसे तो ये 3 से 4 फीट की या 5 फीट की भी हाइट इसकी हो जाती है। इसमें इस तरह से एरियल रूट्स भी होते हैं, इसकी हम कटिंग से आसानी से प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसकी जो सॉइल है हम थोड़ी सी पोरस हम बनाएंगे, जैसे कि कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा उसमें हम मिट्टी मिला के इस तरह की इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करेंगे। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है पीलिया डिप्रेसा, ये भी जो वाइन होती है काफ़ी बढ़िया होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती छोटी और डार्क ग्रीन कलर की होती है, बॉटल ग्रीन कलर की। इसकी कटिंग तो इतनी आसानी से लग जाती है, इसकी ब्रांच अगर नीचे ग्राउंड से टच भी हो जाए तो ये इतनी ज़्यादा फैलने लगती है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। देखिए इसमें इस तरह से फूल भी खिल रहे हैं और ये भी जो है कम से कम 3 से 4 फीट तक जो है ये इसकी हाइट हो जाती है। काफ़ी अच्छी वाइन है, इजी टू ग्रो वाइन है।
ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन है और इसकी भी हाइट जो है लगभग 3 फीट की हो चुकी है। इसके आप लीफ के कलर वेरिएशन देख सकते हो, वाइट पिंक और काफ़ी सुंदर इसका जो है कलर होता है और ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। इस वाइन को जो है पोरस मिट्टी चाहिए होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, इसके रूट्स फैलते नहीं हैं और इसे जो है हर महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते काफ़ी अच्छे से जो है ये वाइन चलती है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ये लगती है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, नर्सरी में ये 30 रुपीज़ तक आसानी से मिल जाती है और कटिंग से भी इजीली जो है ये ग्रो हो जाती है। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये ग्रीन कलर का, इसमें जो है पर्पल कलर भी आता है, शायद एक ब्लैक कलर भी आता है, 3-4 इसमें कलर्स आते हैं और मेरे पास में ये वाला है और ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। स्वीट पोटैटो वाइन भी है, काफ़ी ज़्यादा हाइट में ये बढ़ती है, इसकी भी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे 4 फीट 5 फीट ऊपर की तरफ भी जो है हम इसकी हाइट को जैसे लंबाई में भी ये चली जाती है अगर ऊपर की तरफ भी हम इसे करते हैं। ये नियॉन पोथोस है, इसके आप लीफ का कलर देख सकते हो कितना बढ़िया है और ये जो है मनी प्लांट की एक वैरायटी है तो इसकी भी हाइट जो है लगभग 4 फीट 5 फीट जो है हो जाती है और ये शेड लविंग प्लांट है, इसे हर महीने में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते काफ़ी अच्छे चलता है, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है बेबी टियर का प्लांट, बेबी टियर की जो हाइट होती है 1.5 फीट से या 2 फीट से ज़्यादा नहीं होती, ये प्लांट जो है बस 1.5 या 2 फीट तक ही जैसे ये इसकी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी इजीली जो है कटिंग से ग्रो हो जाता है, काफ़ी लो मेंटेनेंस ये प्लांट होता है। क्रीपिंग चार्ली की भी हाइट जो होती है ज़्यादा नहीं होती है, 1.5 से 2 फीट तक की जैसे इसकी हाइट होती है, आप देख सकते हो ये भी कटिंग से काफ़ी आसानी से जो है ग्रो हो जाता है, इसकी भी ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है। इसे जो है मैंने 1 से 2 घंटे सनलाइट वाली जगह पे इसे जो है मैंने प्लेस किया है और हर महीने कोई भी जैसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो काफ़ी अच्छे से जो है ये प्लांट हमारे गार्डन में बने रहते हैं। एस्पैरागस की हाइट भी जो है ज़्यादा नहीं होती है, ये भी जैसे 1.5 से 2 फीट तक ही इसकी हाइट होती है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये भी जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट में, पर ये जो है टोटल ये शेड लविंग प्लांट है, अगर इसे हम अंदर भी जैसे ग्रो करते हैं तो टोटल शेड में भी ग्रो हो जाता है, ये 1 से 2 घंटे के सनलाइट में भी रखते तो भी, और इसे जो है हर महीने में कोई भी जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसके जो है 1 से 2 प्लांट जैसे डिवाइड करके इसके हम 1 से 2 प्लांट जैसे हम तैयार कर सकते हैं, काफ़ी इजी टू ग्रो ये प्लांट होता है। वंडरिंग जो की भी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती, ये भी जो वाइन है ये 4 से 6 फीट तक इसकी जो है हाइट हो जाती है, अभी तो जो है मैं इसे नीचे नीचे से प्रून कर रही हूँ इसलिए इसकी ज़्यादा हाइट नहीं, इसकी हाइट लगभग ये 2.5 फीट के करीब है। देखिए फ्रेंड जो मैंने टायर में लगा है इसकी हाइट आप देख सकते हो 3 फीट के करीब हो चुकी है, देखिए इस तरह से। तो वॉन्डरिंग जो भी जैसे हम लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हम हैंग करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबाई में ये वाइन बढ़ती है। सिंगोनियम को भी जैसे हम हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं तो इसकी भी हाइट जो है 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक जैसे हो जाती है, इसे जो है मैंने प्रून कर दिया, ये इसने पूरा जो ये मेरे DIY प्लांटर है इनको पूरा ढक दिया था, काफ़ी नीचे तक जो है इसकी ग्रोथ हो गई थी तो इसकी भी हाइट जो है 2.5 से 3 फीट तक हो जाती है। शेड लविंग प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। पर्पल हार्ट की भी हाइट जो है ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3 फीट तक इसकी हाइट होती है और ये भी जो प्लांट है जिसे हम शेड में और सनलाइट में भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं, इसे DIY प्लांटर में मैंने लगा दिया, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा खाद की भी इन्हें ज़रूरत नहीं होती और इनकी हाइट जो है 2 से 3 फीट तक ही होती। तो देखा फ्रेंड्स ये थे वो 10 हैंगिंग बास्केट प्लांट जिनकी हाइट जो है 6 फीट से लेकर 1.5 फीट तक हो गई है। तो मेरे ये आज की जानकारी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।